हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले किया था वैसे ही है। तो इसमें भी देखो, ये डिवाइड वाली चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड वाली चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हो। ये इधर मल्टीप्लाई और ये वाला इधर, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये वाला इधर। तो देखो इसको लिखते हैं, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये क्या है 7y+4 है। इधर -4 ऑलरेडी है और ये टर्म इधर जाएगी तो y+2 इस तरीके से होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21y+4 3 12, ये कितना आ गया माइनस का 4y और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 8 और बाहर माइनस है और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से भी कह सकते हो, क्योंकि बाहर अगर माइनस होते हैं ब्रैकेट्स में तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर, अब क्या है वही है, y वाले एक तरफ करते हैं। तो देखो ये 21y है, ये माइनस का 4y इधर जाके प्लस का 4y बनेगा, इधर माइनस 8 है और ये प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12 बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये देखो 21 और 4 25y, माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 12 बड़ा है तो माइनस का साइन, लेकिन ये प्लस होंगे तो ये 20। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 20 और ये 25 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके डिवाइड में, एंड ये 5 4 20 एंड 5 5 25। क्लियर, तो वाई का जो आंसर आया वो कितना आया आपके पास, माइनस का 4/5 इसका आंसर आया। ठीक है, बताओ कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।